सो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताया गया कि कैसे आप लोग सीवी एडिटिंग कुछ इस टाइप का कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल फ़ोटो को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, ये ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको स्नैपसीड में ओपन कर लेना होगा। और सबसे पहले क्या करना है, ओपन करने बाद सबसे पहले नीचे टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर विंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों, इसको 12 नंबर वाले ऑप्शन पर रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को सैचुरेशन -100 तक कर लेना होगा, और इसको भी लगभग 15 के करीब रख लेना है, और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। और सेव करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर से दोस्तों यहाँ पर नीचे विंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ब्रश पर क्लिक कर देने में नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से क्या करना है दोस्तों, इसको ज़ीरो कर लेना है, और ज़ीरो करने बाद दोस्तों फ़ोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे अप्लाई कर लेना होगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग ब्लैक निशान जो भी है फेस पर कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने बाद दोस्तों इसको यहाँ से सेव कर लेना है, और सेव करने बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, इस साइड आ जाना है, और फिर से क्या करना है, नीचे टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद दोस्तों नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग को एक क्या करना है, एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। इस ग्रीन कलर के पीएनजी को हम लोग ऐड कर लेंगे, और ऐड करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर से दोस्तों इसको डार्कन पे हम लोग रख लेंगे, और डार्कन पे क्लिक कर देने बाद इसको ओवरली पर भी देख सकते हैं आप लोग, तो ओवरली पर सही नहीं है, तो इसको डार्कन पर ही रख लेंगे, और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। और सेव करने बाद दोस्तों ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहां से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर से दोस्तों नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहां से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड ब्रश पर क्लिक कर देने बाद क्या करना है, इसको 100 पे रख लेना होगा, और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इस वाले शर्ट पे यानी कि टी शर्ट पे इसको अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इसको टी शर्ट पे अप्लाई कर लेना है, फोटो को जूम करके इसके किनारे किनारे काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा, और सेव करने बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाना है, और फिर से नीचे टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा, और फिर से क्या करना है, नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक रेड कलर के पीएनजी को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पीएनजी को यहां से ऐड कर लेना है, एंड बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने बाद दोस्तों क्या करना है, इसको डार्कन पर भी रख सकते हैं, तो सही नहीं है, तो यहाँ से क्या करना है, ओवरली पर इसको रख लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहां से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर से नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर से क्या करना है, इसको 100 पर रख लेना होगा, और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको टी शर्ट पे अप्लाई करना है। अगर आप लोग को यहाँ पे स्किन पे अप्लाई हो जाता है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसको 100 पे इसको ज़ीरो कर लेना है, और कुछ इस तरीके से इसको स्किन पर से रिमूव कर लेना है, और फिर से 100 पे रख लेना होगा, और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसके टी शर्ट पर अप्लाई कर लेना है। तो आप लोग को किनारे किनारे कुछ इस तरीके से अप्लाई करना होगा। एंड इसके बाद इसको यहाँ से क्या करना है, 50 पे रख लेना है, और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको लिप पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और अप्लाई करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे आ जाना है, और फिर से नीचे टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोग को ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद नीचे सेकेंड नंबर यानी कि एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा, और हम लोग इसको 0.7 पे रख लेंगे,
और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्किन पे अप्लाई करना है। इससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वन क्लिक में ही आप लोग का फेस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को पूरे स्किन पे इसको अप्लाई कर देना होगा। एंड अप्लाई करने पर दोस्तों इसको यहाँ से सेव कर लेना है, और सेव करने पर दोस्तों फिर से क्या करना है, फेस को सही से करने के लिए नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाइट बैलेंस पर क्लिक कर देना है, इसका टेम्परेचर +10 के करीब और टिंट को भी +10 के करीब। एंड इसके बाद दोस्तों इसको यहां से सेव कर लेना होगा। एंड सेव करने बाद दोस्तों फिर से नीचे टूल्स वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद दोस्तों नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, और फिर से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेने बाद दोस्तों क्या करना होगा, थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका ऑपेसिटी फुल कर लेना है, और फिर से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर से क्या करना है, नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद क्या करना है, इसको 50 पर जिसको 100 पर रख लेंगे, और कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज करना है। अगर आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करते टाइम बॉडी पर इस तरीके से हो जाता है तो क्या करना होगा, इसको यहाँ से ज़ीरो कर लेना है, और कुछ इस तरीके से बॉडी पर से इसको रिमूव कर लेना है, और फिर से क्या करना होगा, इसको 100 पे रख लेना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों क्या करना, 100 पे रखने के बाद फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसके किनारे किनारे आप लोग अप्लाई करके काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरे बैकग्राउंड को इरेज कर लेना होगा। एंड दोस्तों इरेज करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, इसको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। एंड सेव करने बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, नीचे टूल्स वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और फिर से यहाँ पे नीचे आप लोग को क्या करना है, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इसको स्मूथ टू वाले ऑप्शन पे इसको रख लेंगे, और इसके बाद दोस्तों फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, और आई क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, और इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा। और सेव करने बाद दोस्तों फिर से नीचे टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद दोस्तों यहां से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और फिर से क्या करना है, चौथे नंबर वाले ब्रश पर क्लिक कर देना होगा, और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसका कपड़े पर अप्लाई कर लेना है। तो पूरे कपड़े पर और बैकग्राउंड पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आप लोग के कपड़े में शाइनिंग आ जाएगा और बैकग्राउंड में भी काफ़ी अच्छे तरीके से शाइनिंग आ जाएगा। एंड इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से सेव कर लेना है, और सेव करने बाद दोस्तों इसको यहाँ